व्हाट्सअप माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल सिरप के बारे में, जिसमें है गाइज एक्टिवेटर डिमेथिकॉन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉर्बिटॉल। इसके यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है गाइस डिजिटल सस्पेंशन, एंटासिड, एंटी फ्रैक्टुएंट एंड क्या लिखा है इसमें, डिमल्सेंट, ये सिरप है गाइस। और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और गाइस ये जो मेडिसिन है गाइस, इसका जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया मेडिसिन का, और ये मेनली गाइज ग्रुप ऑफ मेडिकेशन को बिलोंग करता है, जिसको बोलते हैं गाइज एंटासिड्स। और ये गाइज यूज किया जाता है एसिडिटी को ठीक करने के लिए, हार्टबर्न को ठीक करने के लिए, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिटिस, गैस्ट्रिटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक एंड स्टोमक अपसेट। और गाइज जो स्टोमक है हमारा, स्टोमक यूजुअली प्रोटेक्टेड रहता है एसिड से, एक म्यूकोस लेयर के थ्रू हमारे जो स्टोमक है वो एसिड से प्रोटेक्टेड रहता है इन सम केसेस। और कुछ केसेस में ड्यू टू एक्सेस एसिड प्रोडक्शन, और जो म्यूकोस लेयर होता है एक्सेस एसिड प्रोडक्शन के वजह से वो एरोडेड हो जाता है, और जिसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखने मिलता है, जैसे कि एसिडिटी एंड हार्ट बर्न। और उस प्रॉब्लम में ये जो मेडिसिन है वो काम में आता है गाइज। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक्टिवेटेड डिमेथिकॉन एंड सॉर्बिटॉल। और जो ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये गाइज जो एक्सेस स्टोमक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में ये मदद करते हैं, और उसको गाइज न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस स्टोमक एसिड को। और एक्टिवेटर डिमेथिकॉन जो हमारे गैस बबल्स है उसकी सरफेस टेंशन को कम करते हैं, और जिसके वजह से जो हमारे गैस वगैरह की प्रॉब्लम वो उसको गाइज ठीक करने में ये मदद करते हैं। और गाइज उसके साथ साथ जो गैस प्रोडक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको भी गाइज ये प्रिवेंट करता है। और गाइज उसके साथ साथ इसमें है सॉर्बिटॉल, और जो कि एक लैक्सेटिव है, और ये गाइज कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है, और जो स्टूल है उसको सॉफ्टन करता है, और बाउल मूवमेंट को इजियर करता है। और गाइज ये मेडिसिन को यूज करने से पहले हमेशा ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन या एडवाइस इस मेडिसिन का यूज ना करें। और इसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, डायरिया। और ये जो मेडिसिन है इसकी डोज और आपको कितने दिन तक इसका यूज करना है, ये सारे गाइज आपकी मेडिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और ये आपको आपकी डॉक्टर रेकमेंड करेंगे कि आपको कितना डोज लेना है और कितने दिन तक लेना है। और इसलिए हमेशा ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले, विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन आप किसी भी मेडिसिन का यूज ना करें, ये मेडिसिन का भी यूज विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन ना करें। और गाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपकी बॉडी में लो फॉस्फेट लेवल है और हाई मैग्नीशियम लेवल है, या किसी भी पेशेंट को अगर किडनी प्रॉब्लम है या लिवर प्रॉब्लम है, तो गाइज विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन ये मेडिसिन का यूज आप ना करें। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो भी विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन
ये मेडिसिन का यूज ना करें। और मेरा आपको सिंपली एक ही सलाह रहेगा कि ये मेडिसिन को यूज करने से पहले आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें, ताकि आप किसी भी मेडिसिन का जो यूज वो सेफली कर सके। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में, उनको भी प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे ही उनको ना दे विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन या एडवाइस, छोटे बच्चों को ना दे। और इसका मैंने आपको बता दिया। और इसकी यूज, मेन यूज जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ड बर्न, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक और स्टोमक अपसेट, ये सारे प्रॉब्लम्स में इसका यूज किया जाता है। और अगर आपको प्रॉब्लम्स वगैरह होता है तो हमेशा ही डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, डोज वगैरह आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे। और बहुत सारे मेरे भाई दोस्त कमेंट में मेरे को पूछते हैं कि इसका कितना डोज लेना है, कितने बार लेना है। तो हमेशा ही मैं एक बात वीडियो में आपको बताता हूँ कि किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही डॉक्टर आपको किसी भी मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। तो ऐसे ही कोई आपको कमेंट में नहीं बता देगा कि आपको कितना लेना है, कितने बार लेना है, विदाउट नोइंग योर मेडिकल कंडीशन। तो हमेशा ही आपकी मेडिकल कंडीशन, हेल्थ प्रॉब्लम डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर आपको आपकी मेडिकल कंडीशन, आपकी बॉडी की नीड के हिसाब से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, वही बेहतर होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, प्रेगनेंटी, ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन, या अगर आपको सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, या छोटे बच्चे हैं आपके घर में, तो उनको गाइज विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन किस ये मेडिसिन को आप ना दें। और हमेशा ही किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। और आई होप गाइज मैंने जितना बताना था ये वीडियो में आपको, ये छोटा सा वीडियो में जितना हो सकता था ये मेडिसिन के बारे में बताने की कोशिश क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़ोर से लाइक करें, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैंने कुछ गलत बोला है ये वीडियो में तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं, या कोई डाउट है वो भी मेरे को आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो टेक केयर गाइज, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।